होशंगाबाद में हुई आगजनी में चार लोगों की मौत पर मरहम लगाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ रैसलपुर गांव पहुंचे और किसानों से मिले। सीएम ने पांचरा गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों के साथ मुलाकात की। मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री बोले कि आग में हुए नुकसान का किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा और मृतकों के परिजनों को भी उचित सहायता राशि देने का आश्वासन दिया। वही आईटी छापेमारी के सवाल पर कमलनाथ बोले, मुझे छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं होशंगाबाद में हूँ। और रात भी जारी है जिनकी मृत्यु हुई है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ, बिल्कुल सरकार, इसीलिए तो मैं आया हूँ क्योंकि इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। किसान के साथ तो हमेशा ये सरकार है। ये कैसे क्यों छापा डाला है मुझे तो पता नहीं, मैं होशंगाबाद। तो परिवार जनों से मिलने के लिए पहुंचे थे कमलनाथ। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के खेतों में जो आग लगी थी जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उस परिवार से कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे होशंगाबाद। उनसे पूछा कि कितना नुकसान हुआ है और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उचित मुआवजा परिवार जनों को मिलेगा और जो इसमें घायल हुए थे उन्हें भी उन्हें उपचार के लिए हर सहायता दी जाएगी। साथ में जो मृतक है उनके परिवारजनों को भी सहायता राशि दी जाएगी। तो ये सभी बातें कमलनाथ कहते हुए नजर आए थे मीडिया से। ये होशंगाबाद की तस्वीरें हैं और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार देवेंद्र पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, सीएम कमलनाथ परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ ऐलान उन्होंने किया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आगजनी में पीड़ित परिवारों से मिलने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने पांजरा निमसाड़िया समेत रैसलपुर के ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों को जो मुआवजा मिलना है, मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए एवं ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा सकता है उसके बारे में आश्वासन देकर गए हैं। कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने मांग की थी कि सरकार को यहाँ पर मुआवजा 4 से बढ़ाकर 5 लाख करना चाहिए। उस बात पर सीएम कमलनाथ कुछ भी नहीं बोले और इसी को लेकर जो उनके करीबियों के और उनके निस्सचिव रहे आईटी का जो छापा पड़ा है उस पर कमलनाथ से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र।